जादुई पैंच, मॉन्स्टर कार रोबोट, दोस्तों यह कहानी शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। और इस कहानी का लाइक है मैं 250 लाइक, मुझे पता है आप कर दोगे तो ठोकर लाइक। प्याजमपुर नाम का एक गांव था। गांव में राम नाम का एक लड़का एक टूटे फूटे घर में रहता था। जब वो छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। गांव में प्याज का व्यापार काफी चलता था। सारे व्यापारी इस गांव से प्याज लेकर शहर जाकर बेचते। राम बचपन से उसके सेठ जी से कुछ प्याज खरीद लेता और गांव में एक ठेला लगाकर वो सारे प्याज गांव वालों को बेचता। राम ने ऐसे ही प्याज बेचकर बचपन से अपनी देखभाल खुद ही की थी। हर रोज के दर राम अपने ठेले पर प्याज बेच रहा था तभी गांव के दो लड़के उसके ठेले के पास चलकर आ गए। क्यों राम, यहाँ यो 2 टके के प्याज बेचकर कितने पैसे कमा लेते हो? हमारे घर आया करो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दूंगा काम करने के। रहने दो तुम, मैं यहाँ जितना भी पैसा कमाऊं वो चाहे 2 रुपए क्यों ना हो, मैं वो अपनी पूरी मेहनत और लगन से कमाता हूँ। मैं तुम्हारी तरह बेईमानी से पैसे कभी भी नहीं कमाता। तुम्हारी यही मत, आखिर पैसा कैसे भी कमा, पैसा तो पैसा ही होता है। जाने दो अजय, साला लावारिस से इसे झगड़ा करेंगे तो हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। ऐसा कह के वो दोनों वहां से चले गए। गांव वालों की ऐसी बातें सुनकर राम को काफी बुरा लगता। तब राम वहां से गुस्से में जंगल की तरफ चला गया। तब राम दुखी होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे अपने हालातों पर काफी बुरा लग रहा था। तब राम को किसी इंसान की 10 भरी आवाज सुनाई दी। तब राम उस इंसान को यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन राम को तभी कुछ पता नहीं चला। तब राम ने सोचा क्यों ना थोड़ा आगे जाकर देख लिया जाए, किसी को चोट लगी हो तो उसकी मदद कर दूंगा, ऐसा राम ने सोचा। तब राम के काफी ढूंढने के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक स्वामी जी दिखे। तब राम उस स्वामी जी की मदद करने के लिए उस स्वामी जी के पास चला गया। तब राम ने देखा कि स्वामी जी के हाथ में एक गहरी चोट लगी है। तब राम ने जंगल से एक जड़ी बूटी लाकर स्वामी जी के हाथ में लगाई। तब स्वामी जी को धीरे धीरे होश आने लगा। अरे बालक, अभी तक यहाँ से बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन मेरी मदद करने के लिए मेरे पास अब तक कोई नहीं आया। तुम वो पहला इंसान हो जो मेरी मदद करने के लिए मेरे पास आ गया था। तुम बहुत दुखी दिख रहे, तुम्हारी परेशानी मुझे बताओ बालक। तब राम ने अपने हालातों के बारे में उसने स्वामी जी को बताया और गांव के लोग कैसे उसे लावारिस कह के चिढ़ाते वो सारी बातें उसने स्वामी जी को बताई। तुम चिंता मत करो राम, मुझे तुम्हारी अब परेशानी समझ आ गई है। तब स्वामी जी ने वहाँ अपनी तेजस्वी शक्तियों से वहाँ एक ओनियन कार प्रकट कर दी। उस कार को देखकर राम बहुत खुश हो गया था। तब स्वामी जी ने राम को कुछ बातें बताई। राम, इस कार का इस्तेमाल तुम कभी भी अपने मतलब के लिए मत करना, हमेशा इस कार का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करना। ठीक है स्वामी जी, मैं आपकी बातें समझ गया। तब राम उस ऑनियन कार को लेकर जंगल से घर आ गया और हमेशा उस कार से गांव के गरीब लोगों की मदद करता। एक दिन शहर से गांव में 2 बड़े इंजीनियर आ गए और उनके साथ एक जेसीबी रोबोट था। तब उनमें से एक इंजीनियर बोला, ओए गांव वालों, मुझे तुम्हारा यह गांव चाहिए। मैं इस गांव के सारे घर तोड़कर यहाँ एक बड़ी प्याज की फैक्ट्री लगाऊंगा, इसलिए तुम लोग यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मेरा जेसीबी रोबोट तुम लोगों को मार मार के भगा देगा। लेकिन सर, यह सारी बातें तो गलत है। तुम कौन हो जो मुझे सही गलत समझाने वाले? साले 2 कौड़ी के भिखारियों, निकल जाओ यहाँ से चुपचाप। तब राम ने सोचा यही सही मौका है ऑनियन मॉन्स्टर कार को यहाँ लाने का। तब राम वहां से भागते हुए घर चला गया। तब राम उस ऑनियन मॉन्स्टर कार को मैदान की तरफ ले गया। वहां देखिए सर, यह कौन सी फालतू चीज तुम यहाँ लेकर आ गए हो?
यह कौन सी फालतू चीज नहीं है सर। ओनियन मास्टर कार, अपने आप को एक रोबोट में कन्वर्ट कर लो अभी के अभी। राम के कहने के बाद ओनियन मास्टर कार एक रोबोट में कन्वर्ट हो गई। मुझे पता था तुम लोग ऐसे ही कौन सी हरकत करोगे, इसलिए मैं मेरे साथ जेसिप रोबोट लेके आया हूँ। हमला करो जेसिप रोबोट। अगर तुमने सोच ही लिया हमसे लड़ाई करने का तो हम भी क्यों पीछे हटे। हमला करो ऑनियन रोबोट। तब ऑनियन रोबोट और जेसिप रोबोट एक दूसरे पे टूट पड़ी। उन दोनों में संसार की सबसे भयानक लड़ाई चल रही थी। कभी हमारा ऑनियन रोबोट नीचे गिरता तो कभी जेसिप रोबोट नीचे गिरता, लेकिन आखिर में हमारे ऑनियन रोबोट ने अपनी समझदारी और अपनी ताकत से जेसिप रोबोट को आखिर में हरा ही दिया। जेसिप रोबोट को हारते हुए देखकर उन दोनों इंजीनियर ने वहां से भागने में ही अपनी समझदारी दिखाई। राम, हमें माफ कर दो, हम तुम्हें हमेशा चिढ़ाते थे, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ही हमारे गांव और हमारे घर बच गए हैं। हाँ राम, हमें माफ कर दो। मैंने तो तुम दोनों को कब का माफ कर दिया है। मुझे इस बात में खुशी है कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। और दोस्तों, किसी और से भी ऐसी गलती हो जाए आप उसे माफ कर देना। उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आज के वीडियो का लाइक है में 250 लाइक। मुझे पता है आप कर दोगे तो ठोका लाइक। और इसे मजेदार कहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताना।